अरगमी या हुए के क्यों वो प्रयोधन हुए बिया करके अरबिया सागे फिर बगाशू पांगड़ी तो कुड़ी को धन हुए दिन दिन दुगनी रात चौगनी दस बारह साल की होगी। दलजी सोडे मन में सोची कन्या तो बहुत सुंदर है लेकिन पगाशु पांगड़ी है। आपके ब्राह्मणा ने पंडिता ने घरे बुलाया आपने आड़ोस पड़ोस के मो कोई बढ़िया राजा देखो अरे बाई को रिश्तो पक्को करो रिश्तो जद करियो के बाई 21 पर हुए अगर 19 हो तो मैं नहीं करांगा। अब पंडित जी महाराजा ने देख लियो दे देगे खर्चो अर आड़ोस पड़ोस में भेज दिया बारह बारह कोस ताई फिर आया सो सो कोस ताई फिर आया अपना घर मिल जाए तो बर कौन मिले बर मिल जाए तो घर कौन ही मिले। अब ब्राह्मण अर नाई है जका सगड़ा पाचा आ गया राजन मारन तो घर मिल जावे तो बर कौन मिले बर मिल जावे तो घर कौन मिले। एक दिन नेतल देगी माता दलजी सोटेगी धर्म पत्नी बैठी लड़की कहन लगी माताजी आजकल थे ही तो फिकारो अर पिताजी के यमु ओटा ओटा पर फिर फिरे बात की है क्यों बेटा घर गमा कुमारी किन्या जन्म हो जाए नी जद माता पिता गए तो मेटी की फेपी हो जाए क्यों माताजी किया के तेरे बाप हट पकड़ रखी है कबाई गोबर 21 हुए तो करनो अगर 19 हुए तो नहीं करनो। तो बेटा मैं तो चारू मेरे ब्राह्मणा ने नाइया ने सगड़े फेर के देख लिया कोई बर कौन मिलियो। नेतल देखे लागी माता जी रात मने एक सपनो आयो के किया आयो कहो मेरी सुनो। अब के नेतल दे आपकी माता ने कवे किया कवर के अपनी राम सभा सुन ले अरे सपनो माने आयो जी अरे सपनो माने आयो अरे सांवरी नया मता में देखिया जियो सांवरी नया मता में देखिया जियो छुपायो कन्ना मार द्वार जगन्नाथ ने कमायो कमा मारे द्वार कर नाथने गडे रूणे कन माता कमल कपेदारी गडे रूणे कन माता कमल कपेदारी उन संग लगन निकायो जियो उन संग लगन निकायो जियो कमायो कमा मारे द्वार कर नाथने भलो कयो बैठी जी सभा ने कयो कारा देवनाला ने कयो गुरु उस्ताद जी ने कयो नेतल दे कयो माता जी मन रात एक सपनो आयो क्यों बेटा किया आयो के माता जी आपने बालने ऊपर सिर को ऊपर मोड़ बंदेड़ो अरे खुदा खुद भगवान आयड़ा देखिया क्यों बेटा खुदा खुद भगवान कहा
कह गडरूणे से मैं माता कमर तपधारी उन संग लगन लिखायो लिखायो के माता जी रूणे से गमाई ने एक अजमाल जी नाम कर गे राजा है बंगे दो लड़का है बड़े को नाम तो है ब्रह्मदेव जी और माता जी छोटे को नाम है रामदेव जी बंगे सागे मारा मालिक है घर का ले का लेड़ा है अब जिसी त्रिया मरेड़ी दे गए माँ जान बापर इसी त्रिया जान बापर की मन में विचार कर रहे कन्या है जो कि आपको बराबर ही बता दियो ए बरगी तो बात मिले ही कठे अब ने तल देगी माता राजा नागे के महाराज आपनी कन्या है जो कि आपको बराबर ही बतान लाग रही है क्यों है क्या ये आपको आप बतान लाग रही है बहुत अच्छी बात कह कठे कह जैसलमेर जिले का माँ एक रामदेव रो नाम करके गांव है हाँ पोकरना जाओ और पोकरना के सारे ही रामदेव रो गांव है भी गांव के माँ एक राजा है राजा के दो लड़का है मोटोड़े को नाम तो है ब्रह्मदेव जी और छोटिये को नाम है रामदेव जी अब के राजा भला के ब्राह्मणा ने अरे नाइया ने अरे एक सोने को नारियल बनवा के नारियल अरे पंडित जी महाराज ने दे दियो लियो पंडित जी महाराज रूने चे जाओ अरे बैठे एक राजा है बिगो नाम है अजमाल जी के दो लड़का है बांगे छोटे लड़को है बांगे सागे आपनो भाई को रिश्तो पक्को करियाओ पंडित जी महाराज को मत उठने क्यों मन में सोची रहे सोसो कोस में फिर लिया और भाई को पर कौन मिलियो ये तो फोड़ा ही पड़े अब पंडित जी महाराज ले गए नारेल और को 2-4 किलोमीटर चालिया मन में सोची एक दो दिन इन्हें भी ने टाइम पास कर लिया फिर पाछा ही उड़ चाला कह दिया हमारे बड़ी पसंद को नहीं आयो रिश्तो पक्को किया कर गया वाह पंडित जी महाराज तान गए बाखलो और आटो हो गयो मन फूल जाती सो गया नींद आ गई कृष्ण भगवान मन में विचार करियो बट वो ब्याह मन लागे राम ही करवाओगे साहब क्यों तो भरम को भूत चढ़ी होएंगे सिर पर बाबे रामदेव जी आपको सत को बयान भेजो बोलो यहाँ काम करो पंडित जी महाराज ने दर्शी उठाओ अरे ठे गोर में लिया गिर दर्शी स्वाद जाग नहीं जावे अब पंडित जी महाराज की आंख खुली इन्हें भी ने देखियो छोरिया छापरिया बाड़े बटोड़े जावे मन में विचार करियो रे बड़ा सोया तो टिबड़िए से परे अरे अठे तो वहां नगरी दिखे इन्हें भी ने पूछना करी जा किसी नगरी है रामदेवरो पंडित जी महाराज के फिर ब्रह्म को भूत सिर पर चढ़ गयो मन में सोचो बड़ो अपनो शरीर है जो आज गालिया सोया बाद में चलन लाग गयो मन भूल जाते है डाटो बंद है आपका पदम प्रवण जी आज आपके पंडित जी महाराज ने भी ने पूछना करी अठे कोई यहाँ करके राजा है बोलियो हाँ भी राजा है अजमाल जी नाम है दो बांगे लड़का है अरे वो समय दिखे वो गटबांग हुई है पंडित जी महाराज गया राजा अजमाल बैठियो समय सभा बैठी पंडित जी महाराज हाथ जोड़ गए रामा श्यामा करी अजमाल जी बोले तीन घड़ी तीन भाग आओ पंडित जी महाराज के नाम के थाम के पतों के ठिकानों पंडित जी महाराज हाथ जोड़ के कहने लगे महाराज मैं तो आपका लड़के को टिको ले गए आयो मन में विचार करियो रे देखो घरे बैठेगा टिक्का आ जावे जब बताओ कमी की चीज की रे आजकल छोरियां की तो भी यही कमी है कोई बात नहीं पंडित जी छोरा धड़ी खेलने गेड़ा है अभी बला लियांगा सा पानी पी लियो कोल्लो दांतन कर लियो पंडित जी महाराज अरके कोल्लो दांतन करके सा पानी पियो इतने के हाँ महाराज बुलाओ आपके लड़के ने अजमाल जी दो छोरा ने भेजा रहे बोलो बना बला के जाओ घरे बताऊ आ रहा है दो भाज गए लड़का गया रामदेव जी ब्रह्मदेव जी बाबू जी हरबू जी खेलन लाग रहा चिंदो डामो कह रहे चलो थाने घरे कटोगा मां बुलाया है आपने घरे बताऊ आ रहा है ठीक है रामदेव जी तो बेरो ही हो पंडित जी महाराज है
अब और टाबर तो सगड़ा आ गया, गया। रामदेव जी महाराज धार गए 60-70 साल की उम्र को भेस और पीड़ के लंगोट हाथ में ले गए घोट और यहाँ कोडा कोडा आन लाग रहा चाल गयो। अब जागेर के पंडित जी के सारे बैठ गया। पंडित जी महाराज अजमाल जी ने क्यों महाराज आपके लड़के ने बुलाओ दादा जय रघुनाथ जी की। बाबे रामदेव जी क्यों महाराज पंडित जी महाराज के कहो आगो लड़को तो एक तुम्हें हूँ अरे एक मेरे भाई और छोटो है जो ब्रह्मदेव जी। अरे तू नाम राजी हो गो थारो नाम के एक मेरो नाम रामदेव जी। पंडित जी महाराज मन में सोचो आप पन पहला ही ठा पड़ गयो के बैठे किशाबर मिलना है के और मिलना है फोड़ा ही पड़ना है सिर्फ। बाबे रामदेव जी क्यों पंडित जी रामदेव जी तो मैं ही हूँ लिया वो थारे नारेल जो मने दे दियो दादा चला दियो। दादे मन में विचार करो इन नारियल दियांगा इन तो बिटी इन कुएं में धक्को दे दियांगा जो पेंडो छोड़ दे आने जाने वाले तो रोमान कौन रहे मन पुलजी थे ना देखो से नंबर कौन बतारो आप के पंडित जी महाराज बैठू खड़ा हो गए चलन लग गया। पी टेम बाबे रामदेव जी की माता आगे कहने लगी रे बेटा एक दिन तेरे बाप का औलाद नहीं होए करती लोग बाजियो कहेगे पुकारे करता और आज बेटा तू शादी खातर मना करे। बाबे रामदेव जी क्यों नहीं माता जी मैं मना कद करियो मैं तो दोनों हाथों नारियल मांगण लाग रही हूँ। अरे बेटा तेरो भेस तो देख अभी टेम के बाबू रामदेव जी टक 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 उतर के महल से नीचे पंडित जी महाराज ने हेलो मारियो कहो पंडित जी दादा रुकियो थमो करे जाओ नारियल जो मने दे दियो मैं हूँ रामदेव जी दादा चला दियो कर घर होड़ा करे। पंडित जी महाराज मन में विचार करी बड़ो बूढ़ी हो है तो बूढ़ो बन है तेरे नो मन लागे तकड़ो की इनकी उमला नारियल धकू खोस है वो। पंडित जी महाराज हाथ जोड़ के कहने लगे पंडित रामदेव जी थाने नारियल मेरे बनाई ओ धकू खोस लियो पर छोरी वाले जी हम देख लियो बात बेली है। रामदेव जी महाराज क्यों बेली क्यों करे थे मैं रोटी को ले गए बोले ले गए तो यहाँ पर मैं तो चर्चा सुनी कहते तो खुदा खुद भगवान बताओ अरे थारो तो भगवान कदी सार करी मन लाया कौन टपेड़ो। बाबे रामदेव जी के पंडित जी वो किशोक है कह वो तो खुद ही भगवान बताओ तो किशोक बताऊ भगवान की कीती मैं मां बताऊ प्रणी कौन जावे अब कहो वो देख दिखाण दादा देखियो के आवे। अब पंडित जी इन्हें मुंह फोर गिर पाछो मुंह फोरियो तो सागी को सागी कृष्ण चंद्र भगवान पंडित जी महाराज पगा पड़ गयो लियो महाराज नारियल दादा माने केवरो थे या घड़ी घड़ी गमा होलिया बदलो। बाबे रामदेव जी क्यों नाइया कौन लिया कहतो गडगमा चालो अंजल पानी करो कोई पतड़ो पतड़ो देखो और दिन बार देखो और फिर बैठे पाचड़े पर बैठांगा गीतनाथ गुआवांगा और फिर नारियल जको लेवांगा लेवांगा। अब जागे पंडित जी महाराज पाछा और पतड़ो देखे तो के दिन बार निकले के अपनी राम सभा सुन दे अरे बार भलेरा भाई बार तो भलेरा अरे बरत करो रे मेरा भाई जियो बरत करो रे मेरा भाई जियो प्यार से बार Thank you.
बैठी जी की सभा ने उंकारा देन आला ने गुरु उस्ताद ने बैठी जी की राम सभा ने क्यों ग्यारस बारस बार भलेरा परत करो मेरा भाई भाई दल जी सोडे गए कन्या जन्मी तो रूणे च लगन लिखाई, लिखाई। अब पंडित जी महाराज एक चिमटियो बना के तो आपकी गोज गमा घाल लियो पीला चावल कर दिया पीला चावल कर दिया पीड़ा चावल करे पीटे माता जी कहने लगे बेटा हाथ थोड़ी सी बात अर्धी पीस लियो पीड़ा दाना कर लिया किए जगह पंडित जी सागे भेज दिया अपने घरे रख लिया ठीक है अबे छोरिया सागे तो बे अर्धी गे मा चावल पीड़ा करे और सागे गीत गावे बैठी जी की सभा ने हुंकारा देन आला ने गुरु उस्ताद ने आपके छोरियां छापरियां गीत नाथ का आगे पीला दड़ा कर दिया एक गंठड़ी तो पंडित जी सागे बांध दी वाह एक पंडित जी एक गंठड़ी एज की घरे रख ली जानी बात है अजमाल जी थनबेरो के दियो वाह पंडित जी महाराज ने ठीक है वाह वागणी थी वाह वाह क्यों दी पांच मोहर दी सोनेगी सोनेगी पांच मोहर सोनेगी अजमाल जी दे दी वाह बांगो ब्याह मंडी के मंत्र पांच मोहर सोनेगी बाबे रामदेव जी की माता दे दी पंडित जी की मोहर घनी होगी तो ठीक है लेके पीना दाना अर लेके दान दक्षिणा वाह बठो पी रो यार कोई भूत चढ़ रही हो सिर पर कभी अपन सालनो तो है कोनी शानी बात है अपन तो मन में करके बस सोनो ही है गांव मुली खड़ियार सोया अब गांव मु निकटता ही अरतान गे तंगोट सो गयो रामदेव जी महाराज मन में विचार करे बड़ो वो पीला दाना ही मन लागे राम में रखे पड़ पड़े रहन दे अब आपको सत को बयान भेजियो वाह कयो रे पंडित जी महाराज ने अदर सी बिए ही सुआगे अर जठे पहला सुत्यो बटे ही ले जागे सुवाइयो अब बैठे केंता देरी करता देर की पंडित जी महाराज ने उठा गिर जठे पहला सुत्यो बटे ही ले जागे सुवा दियो भटक दिया पंडित जी महाराज की आंख खुली वाह मन में सोची ले भाई अपने तो कामयाबी तो मिलेगी शानी बात है किया कापन कटे जानो होगो नीचे से कोई गाड़ी की जरूरत न कोई क्या की जरूरत को नहीं ऑटोमेटिक उड़ जाएगा हाँ हेलीकॉप्टर कन फटा तो काम पर है यार बस सोया घरे जागे खुश होड़ो बगे क्यों आठ दस मोहरी कन्ने अरसागस को सपने में शरीर चालन लाग गयो जागे घराली पंडितानी पुठियो पंडित जी वाह किया बाई को रिश्तो करी आया काट दी पेटी बोले रिश्तो करी आया वाह किया है परे कबर की तो बस के बताऊं खुद ही भगवान ही पूछ जा कहां के एक मैं अब कड़े नयो जादू सीखे हूं के किशो कह किशो कहेंगे मन कटी जानो है नहीं अबे जब मन गाड़ी मोटर की कोई जरूरत को नहीं कह तो ठीक है नाम उपारे जागेर वो नाम लेगेर बस हो जाऊं और रोड़े सी गुड़ जाऊं कह शानो मन तो
ओ थारो विचार को लगे। बोले विचार क्यों, मैं तू कह तो मैं बेचावड़ बंग रे दिया हूं तो अब अटे सो के दे जाऊंगा। सो गए कहा फिर मान जाऊंगा। वाह, अब आंगणे के बीच में सो गयो और घर वाले निकलो तू रही पास है वरना सरक जा सागे भी रो जाएगी। केवरो निन्ना में शरीर है केवरो कितो तकड़ो चले कड़ी सागे भी रो जाएगी। अब घंटा ताई सुते रहे हो पंडताणी ने पूछो शरीर हाले के थोड़ो बहुत। बोले शानो कठे ही कोनी हाले तो पटे ही पड़े अल्लाह वजह दिन चार जना मोटा चार जना मोटे पर। वाह, अरे बोले तू पास रही पंडित जी महाराज मन में सोची पड़ो शरीर के की आग लागी सदा चाल रे राज कौन चाल है कारण के मन मन में विचार करे बड़ी नींद आया चाल है नींद आपन आई कोनी। घर वाले ने कहो तू यहाँ काम करी मने वे कर छेड़ी ना घंटा खंड नींद आन दे। अब तावड़ेगा मन नींद क्यों हुआ बताओ आज के जानी बात पसीनो आ गयो तावड़ो पड़तो। अब किस बो गिरगिराट हो गयो की तावड़ो गयो नींद आवे क्यांगी गिरगिराट में नींद को नहीं आवे। पंडित जी महाराज के शरीर थोड़ो बहुत चाले गए। बोलो ना क्षणो कौन चाले पंडितानी के क्षणो बो कुकरो गो तो भाई घड़ी घड़ी में खोलिया तो बदलो बस बाबा की माया ही के थारो शरीर कोई चाले कोई चूल्हे जागे क्यों लेट करो। अरे पीला दाना दिया और बांगो वो नाम ठिकानो बताइयो दिन बार तिथि बताइयो और थारो कागज को लिखियो दिया हो। पंडित जी महाराज जागे दल जी सोडे कने अर बे चावल दे दिया और वो कागज दे दियो दल जी सोडे थाने बेरो के दियो इनाम मो दल जी सोडे बारा मो दोनों करके दी की माँ दे दी की बाँ दे दी बारा मोर दे दी दादा ने निहाल कर दियो तो कह पुराने टाइम में माँ देखो बान भी कह सवा सवा महीने का लंबा चौड़ा बान बैठे करता आप के बिन बाबे रामदेव जी को बान बिठावे तो छोरिया छापरिया की इतना अतगान लाग रही बार कर गेरियो जुड़ रही हो। भगवत ने कहो भाई माता जी कौन दिखे बाने जाओ। वाह, अब भगवत अर्जागे माँ देखे तो एक खूने गा बैठी एक एक निर्णा में चर चर आंसू बगे रोन लाग रही रोन लाग रही। वाह, बीटे में के भगवत आगे कहो भाई जी थोड़ा उन आई हो बाबे रामदेव जी कहो भाई के बात ही बोलियो बात क्या उन्ना हो। अब लागे कन्ने पकड़ के भूखियो कपड़ा ना बाल दई हुई जागे को टाइम कर दी ए पत्थर धोती में लाग रही आग ए बात धोती छिलकन लाग रही है। पीवत प्याला प्रेम गा तो मिट जाखे जातान राम नाम रटते रहो तो जब लग घट में प्राण कबू तो दीन दयाल की तो बनक पड़ेगी कान। अरे मारवाड़ में राक्षस जाग्यो अरे कूक मची दुनिया माई लाग तो कर पाड़ियों चढ़े ना चावे जाना दुनिया माई राजा रक्ष पैत्र गावे पारणियों को नाई राजा रक्ष मारणियों को अकमल घर अवतार राम की अकमल घर अवतार धन धन गला सवाई पर चाते गए पीर कवार राम ने गगना माए लाग ठोकर पाड़
मुझड़े सीधा जावे थाना ताई राक्षस पड़ गयो मंडी माई बाली नाथ जोगी पारे पेट गया जोर चाले नाई बाली नाथ जोगी पारे पेट गया राक्षस के मन सोचू पजो आके आफत आए राक्षस के मन सोचू पजो आके आफत बद गई थी उदली लांदी बद गई थी जो द्रौपद गोची रजी जो उदली में बाजला जो राक्षस बाजू भी रजी